हमीरपुर के बागवानों को तेज आंधी से 2 माह में लगभग 90 लाख का नुकसान आंका गया है। उद्यान विभाग के पास ब्लॉकों से पहुंची रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान आम की फसल को हुआ है। तेज आंधी से आम की फसल सबसे ज्यादा नदौन क्षेत्र में प्रभावित हुई है। विभाग ने बागवानों के नुकसान की रिपोर्ट आगे भेज दी है ताकि उन्हें राहत के दौर में मुआवजा मिल सके। उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेश शर्मा का कहना है कि इस बार शुरुआती बरसात के दिनों में काफी नुकसान हुआ है। बागवान भी तेज आंधी के प्रकोप से आहत हुए हैं। उन्हें हर वर्ष प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ रहा है। इस वर्ष भी तेज आंधी ने बगीचों में खूब तबाही मचाई है, क्योंकि मई और जून माह में ये फसल शुरू होती है, जबकि आंधी और तूफान के चलते शुरुआती दिनों में ही हर बार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार भी मई और जून महीने में आंधी और तूफान के कारण आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है। पीछे जो है वो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से लगभग बागवानों को, जिसमें बेमौसमी बरसात, तूफान, आम और लीची की फसल जो कि हमीरपुर जिला हमीरपुर की मेन फसल है, उसका आकलन उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर किया गया, जिसके अनुसार बागवानों को लगभग 90 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन जो अधिकारियों द्वारा किया गया वो रिपोर्ट आपको दे दी। इसके बाद विभाग जो है इसकी पूर्ति के लिए एक स्कीम चलाता है NCRF, जिसमें बागवानों को जो है वो उपदान पर जो है वो फल पौधे, जिनका नुकसान हुआ है उनको फल पौधे और अन्य सामग्री जो है वो उपदान पर 50% उपदान पर जो है उपलब्ध करवाई जाती है। आपको बता दें कि जिला के बागवानों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है। अप्रैल व जून माह में तेज आंधी से आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर बागवानों के साथ मिलकर विभाग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें ये नुकसान लगभग 90 लाख का आंका गया है। आम के मैंने 50-60 पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें फसल बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन तूफान की वजह से आधे से ज़्यादा आम जो है वो गिर चुके हैं है? अब बिरले बिरले आमों में रह गए हैं। उससे पहले मैं बेच भी लेता था, बेचने वाला कोई साधन मिला, जब आम ही नहीं रहे, गिर गए सारे के सारे तूफान से। फसल तो अच्छी लगी हुई थी, लेकिन मौसम के साथ क्या कर सकते हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसकी भरपाई जो है वो हमें दी जाए।